नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जतिन पटेल और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन ट्रिक्स नॉफर्स। दोस्तों, आपने काफ़ी सारे ब्राउज़र यूज़ किए होंगे, गूगल क्रोम, यूसी ब्राउज़र, ओपेरा मिनी, मोज़िला फायरफॉक्स, ऐसे काफ़ी सारे ब्राउज़र यूज़ किए गए होंगे जहाँ पे आपको ऐड बहुत आती होगी, आप ऐड से काफ़ी सारे परेशान हो जाते हैं। मगर दोस्तों, ऐड पे ही धंधा चलता है लोगों का और ऐड पे ही सबको पैसा मिलता है। मगर दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको ऐसा ब्राउज़र बताऊंगा जहां पे कोई ऐड शो नहीं होगी और आप बिना ऐड के अपना काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, समय निकालते वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे डेस मैं आपके लिए ला देता हूं। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर सीधे एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। ओपन करते ही आपको यहाँ पर कुछ इस तरह का यूजर इंटरफेस देखने को मिलेगा और आपको यहाँ पे ऊपर ही मिल जाएगा कि ब्लॉक का, ट्रैक का और HTTP लिंक का। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो आपको सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं और यहाँ पे कुछ रिवर्ड्स भी दिए गए हैं। तो आप यहाँ पे जॉइंट रिवर्ड्स पे क्लिक करके कुछ रिवर्ड्स भी पा सकते हो। तो आप अपना यहाँ पे एक वॉलेट क्रिएट कर सकते हो और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ऑप्शन में चलेंगे। तो ऑप्शन पे जैसे ही हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे डेस्कटॉप वर्जन भी मिल जाता है, जो सभी ब्राउज़र में होता है वैसे ही आपको यहाँ पे डेस्कटॉप वर्जन मिल जाता है। और मान लो मैं यहाँ पे कोई गूगल का पेज ओपन कर लेता हूँ तो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। गूगल का पेज हम लोग यहाँ पे ओपन करेंगे। गूगल का पेज ओपन होते ही आपको यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है ब्राउज़र का, जो यहाँ पे ब्रेवे ऑप्शन का, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो आपको यहाँ पे सारी डिटेल्स मिल जाती है, जो आप यहाँ से जो ब्लॉक करेंगे, जैसे कोई ऐड आती है उसको आप यहाँ से डायरेक्टली उसको पहले ही ब्लॉक कर सकते हैं, स्क्रिप्ट ब्लॉक कर सकते हो, HTTP लिंक को ब्लॉक कर सकते हो, फिंगरप्रिंट प्रोटेक्शन रखना चाहते हो तो वो भी आप रख सकते हो यहाँ पे। और आपको यहाँ पे कितनी आपकी जो ब्लॉक हुई है वेबसाइट, जो आपकी ऐड ब्लॉक हुई है उसको आपको यहाँ पे डिटेल्स वाइज देखना चाहते हो वो भी देख सकते हो। तो काफ़ी सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, आपको सिंपल उस वेबसाइट पर जाना है और यहाँ पर जो ऑप्शन पर क्लिक करना है तो आपको सारी और इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। और यहाँ पर आपको जो दिखाई देगी कि कौन कौन सी वेबसाइट आपने जो एप्लीकेशन या फिर कोई ऐड जो ब्लॉक हुई वो आपको पूरा डिटेल्स वाइज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे हम लोग यहाँ पे और कोई वेबसाइट ओपन करते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे फेसबुक लिख लेते हैं, facebook.com। तो आप फिर वापस आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको जो भी ब्लॉक होगा वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। सेफ्टी फीचर्स आपको यहाँ पे काफ़ी सारे मिल जाते हैं और यहाँ पे जो काफ़ी सारे ऐसे सेटिंग्स है जो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। तो यहाँ पे आप सेटिंग्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो ऑटो ऐड ओपन हो जाती है तो आप यहाँ से उसको ब्लॉक कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे वापस से एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, होम स्क्रीन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लोग सेटिंग्स के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे सेटिंग्स जो आपको सभी जगह से मिल जाते हैं, जैसे आप यहाँ से नॉर्मल गूगल टैब को ओपन करना चाहते हैं तो वो गूगल टैब ओपन हो सकते हैं, या फिर डकडक को ब्राउज़र यूज़ करना चाहते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी ऐसे ब्राउज़र है जो आप यहाँ से डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। पासवर्ड आप यहां से बेसिक पासवर्ड को यहां पे ऑटो साइन इन ऑफ़ करना चाहते हैं, जो आपको पासवर्ड सेव हो जाते हैं उसको ऑफ़ करना चाहते हैं तो उसको ऑटो पासवर्ड सेव ऑफ़ कर सकते हैं, यानी आपका कोई भी पासवर्ड यहां पे सेव नहीं होगा। पेमेंट मेटर आप यहां से ऑफ़ कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का पेमेंट्स आप करते हैं तो उसकी सारी डिटेल्स यहाँ पर ऑटोमेटिकली जो सेव नहीं होगी उसको यहाँ से डायरेक्टली ऑफ़ कर सकते हैं। ऐसे काफ़ी सारे ऑप्शन दिए गए, यहाँ से प्राइवेसी का ऑप्शन दिया गया है तो आप यहाँ से प्राइवेसी ऑप्शन में जाके ऐड ब्लॉक को यहाँ से ऑन कर सकते हैं, रीजनल एड ब्लॉक आते हैं उसको ऑन कर सकते हैं। वो सारे सेटिंग्स जो आपको नॉर्मल ब्राउज़र में मिलते हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। मगर दोस्तों, यहाँ पे आपको कोई जाट की एड शो नहीं होगी, आप टेक्स्ट की जो साइज़ बड़ी करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, यानी ऐसे एडवांस फीचर्स जो मिल जाते हैं वो आपको कहीं पर नहीं मिलते। और यहाँ पर आप अपनी डाउनलोड की लोकेशन सेट कर सकते हैं, जैसे आपको कोई वीडियो या फिर कोई इमेज फ़ोटो को आप अपनी मेमोरी कार्ड पे डायरेक्टली सेव करना चाहते हैं तो वो आप यहां से सेट कर सकते हैं, यानी आपकी फ़ोन की स्टोरेज यहां पे फुल नहीं होगी और सारा जो स्टोरेज लोकेशन होगा वो मेमोरी कार्ड पे जाएगा। और यहां से आप अपनी कुकी को क्लियर कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा ब्राउज़र है, आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहाँ से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और इन्जॉय कीजिए। तो दोस्तों, आपको एप्लीकेशन थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी डिश मैं आपके लिए ला देता हूँ। तो दोस्तों, नेक्स्ट वापस मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।